की घटना का मामला सामने आया है जिसमें थाना अध्यक्ष पर भी आरोप लगे हैं, उनको क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, पूरा प्रकरण क्या है? इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना जैसे ही मिली है तत्काल थाना अध्यक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में डीजीपी के द्वारा वहाँ के डीआईजी झांसी को ये जांच दी गई है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के आरोप थाना स्टाफ पे लगे हैं तथा वहाँ के जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर है, पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं, एसपी सहित, उनमें उनकी क्या गलतियां हैं। इसके अतिरिक्त एडीजी जोन के द्वारा पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा कोई भी अभियुक्त इसमें बख्शा नहीं जाएगा। जो थाना अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है बता रहे हैं, क्या उनकी कोई गिरफ्तारी की सूचना है सर? इस संबंध में जो विवेचक हैं वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन, पीड़िता के बयान और जो वहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से मिले हैं और जब तक कि इसमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो जाती डीआईजी झांसी को मौके पर ही रहने के निर्देश डीजीपी के द्वारा दिए गए। पुलिस के ऊपर सर लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। चंदौली में घटना हुई जिसमें आरोप लगा कि युवती की हत्या कर दी मतलब दबिश के दौरान, उसके बाद ये ललितपुर का प्रकरण सामने आया है, क्या कोई डायरेक्शन जारी किए जाएंगे आपकी ओर से पुलिस की कार्रवाई को लेकर के? पुलिस के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी गलत कार्य किया जाएगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितनी टीमें बनी हैं सर अभी तक गिरफ्तारी के लिए थानेदार? वहाँ डीआईजी खुद मौके पर जा रहे हैं और जब तक इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप नहीं हो जाता वह वहीं कैंप करेंगे। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.